Welcome to Dubai 47. Shukriya is bin Mullah mehman ko bulane ke liye. The scepter and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. Okay, hame is slow motion wale aadmi ko marna hai aur is has ensconced himself. Hawa hawai ko marna hai jo bahar hawa le raha hai. Okay, ye to kuch aur bhi kar raha hai. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Thank you. Oh, itni unchaiyon mein mujhe khada karke bol rahe hain. I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. Ye dekh rahe ho kya position hai? Wow. Pehle main yahan pe nazare le leta hu kitni height pe hain, usi ke hisab se apna level badhayenge fight ke liye, matlab ki maarne ke liye. Wow. वहाँ पे बिजली चमक रही है अभी. ठीक है, बहुत हवा खा ली मैंने, चलते हैं अंदर वरना हवा का झोंका काफ़ी डेंजर हो सकता है हमारे लिए. ओके ठीक है. वाओ क्या रिफ्लेक्शन है, देख रहे हो ग्राफिक काफ़ी हाई लेवल के हैं. एक्स क्लाइम ठीक है. वाओ ट्यूनिंग लगा रखी है. ओके मुझे डर लग रहा है यहाँ पे. Locked. एक सेक. 47, use your camera and scan the lock, will you? मैंने उधर देख. ओ, अरे कैमरा लॉक करने के लिए बोला है, लटकने के लिए नहीं बोला है. ये मैं क्या कर रहा हूँ. एक्स. ओके मुझे लगा है गिरने वाला है यहीं से. ठीक है, कैमरा है मेरे पास, सारी चीजें हैं मेरे पास. ठीक है, स्कैन हो गया. वाओ अब अंदर चलते हैं यहाँ पे. 47. The inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. Hitman ko mat batao ki wo kitna wo hai, theek hai? Ye hamara hitman hai. Kisi ko chhodne wala nahi hai aaj. तो हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे क्या क्या रखा है, अरे जाना कहाँ है. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ओके अंदर चलते हैं. जी एंटर. ओके चलो चलते हैं, कुछ जादू होने वाला है. वाओ देखा, फिट रह करें एक बार. इसने अपने कपड़े चेंज कर लिए कितने अच्छे तरीके से. ओके कुछ भी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं. यहाँ पे देखना पड़ेगा. यस मैम, हेलो कैसे हैं आप, एक बार और झुकिएगा. कुछ कहना आपको मिस्टर. हाँ उधर तो मैं जाने वाला हूँ, मुझे पता है पहले, लेकिन मैं उधर से जाऊँगा. हाँ जी स्वागत करोगे भैया, अतिथि के स्वागत करो. वाओ गजब. तू अरे नहीं नहीं पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ. भाई कांच टूट गया तो नीचे चला जाएगा, जितने ऊपर में जितने आसमान से मैं आया हूँ ना उतना नीचे नहीं जाना मुझे. और ये कौन बोल रहा है. ओके इसके लिए तालियां बज रही हैं, ट्राई करता हूँ मैं भी ऊपर जाऊँ, मेरे लिए तालियां बजेंगी यहाँ पे. थैंक यू, मुझे भी आने दो, मुझे बोले दो. अरे नहीं 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 जा सकता मैं. अच्छा नहीं बोलने देगा मुझे, एक बार और जाने दे यार प्लीज़. यार उसने बोला मैं भी बोल के देखता हूँ यार, ये नहीं जाने दे रहा मुझे. भैया इसके लिए तालियां बजा दो एक बार और, तब मानेगा वो. चलो हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है फिलहाल अभी. ओ मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, क्या मैं इसको उड़ा दूँ. नहीं Listen, I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it.
We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Okay, हमें हैकिंग करनी पड़ेगी. कौन सा सिस्टम है? कुछ हैक करने के लिए हमें बोला है, पर वो कहाँ पे वो पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा हमें यहाँ पे. हेलो, बदतमीजी मत करना वरना पीछे से लात पड़ेगी. ठीक है भैया, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जाऊँगा. मुझे नहीं जाना इस कांच के ऊपर से. देख रहे हो क्या ही रिफ्लेक्शन आ रहे हैं. तो एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ से ही चलते हैं. टूटना मत. राम 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 राम. नहीं टूटेगा. ओ भाई कितना नीचे है, देखो वो रिफ्लेक्शन. देख रहे हो कि गाइस कितना अच्छा है. ओके हेलो. अरे हम तो फाइन हैं, तुम सुनाओ कैसे हो. ओहो हो, सेल्फी चल रही है इधर. देखिए हाँ जी, उधर ही जाऊंगा मैं, तेरे पास नहीं आने वाला वैसे भी. ओ हेलो, ओके ये है वो जनाब जिनको हमें ठोकना है, मतलब कि मारना है. टर्न को ओके, हमें किससे किससे. वो कहाँ चला गया गायब. और ये रहा ना, ओहो इसको ये नहीं पता कि मैं इसको मारने के लिए आया हूँ. देखो मैं चाहूँ तो इसको अभी भी टपका सकता हूँ इधर, लेकिन हम पूरे हिटमैन हैं और हिटमैन की तरीके से ही मारेंगे इसको. यहाँ पे क्या है? एक सेकेंड, गार्ड्स हैं यहाँ पे. क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए पता नहीं. अरे ओ भाई ये आ गया. अच्छा ये मुझे लगता है इनकी बातें सुननी चाहिए मुझे, शायद कुछ बोलेंगे. ओहो यूनिफॉर्म. हेलो, मुझे यहाँ पे नहीं होना था, माफ़ करिएगा. बंद कर देता हूँ, कहीं देख ना ले दोबारा मुझे यहाँ पे. उमा एल गजाली भाई, अब तो हो गया. पीछे से मारा मैंने इसको. ओ ओ भाई देखो मैडम, छोटी उम्र में ये चीज़ें सब नहीं देखते. आपने गलत चीज़ें होते हुए देख ली. बंद कर देता हूँ यहाँ पे. यहाँ पे चलता हूँ, मुझे है ना काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पे. ओ हेलो, यहाँ पे भी मुझे नहीं होना चाहिए था. अरे मुझे कहाँ होना चाहिए था मुझे खुद नहीं पता. लगता है मेरे लिए सही जगह है, मुझे यहाँ होना चाहिए था. ठीक है, कौन फॉलो मी कर रहा है भाई, मैं छुप जाने दो यहाँ पे यार. अच्छा मुझे इसके साथ जाना है, पर मैं साथ जाने वाला नहीं हूँ, मैं ले जाने वाले में से हूँ साथ. ठीक है, यहाँ पे फोटो मेरा. ओके बंद हो गया, अब मैं इसके कपड़े पहन सकता हूँ. पहन ले, कितना टाइम लगाएगा. ओके यहाँ पे हो गया हमारा काम, और इसको ठिकाने लगाना है सबसे पहले. हमारा काम लग जाए, यहाँ पे सो जाओ थोड़ी देर के लिए. मैंने इसको जान से नहीं मारा है, वह मार भी सकता था, लेकिन हम दयावान हैं, दर्द दिल है. क्या बोल रहा हूँ मैं. ओके हम यहाँ पर आ गए, और नीचे चलना है हमें. हिटमैन थोड़ा जल्दी किया कर यार, तुझे पता है कि कितने काम है. मुझे यहाँ पे आना था, यहाँ पे आकर करना क्या था. फिर दोबारा लो कर लो, तुम्हें मज़े आ रहे होंगे स्कैन करने में. कैमरा मेरे हाथ में देखे, ये क्या करने वाले हैं. कुछ करोगे या तुम्हें ऊपर पहुंचाना मुझे. हाँ मैडम जाइए, मैं इसको देख लूँगा. आपसे बदतमीजी कर रहा था ना ये. हाँ यहाँ पे बैठो. हेलो जनाब, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ पहले आप. ऐसे नहीं करते. ठीक है, तुम्हें ठिकाने लगा लेता हूँ पहले, और फिर उसके बाद जाऊँगा, वरना तुम मुझे देख लोगे कि कैसे है ना, मतलब कि बाहर जाया जाता है खिड़की से. और वो मैं तुम्हें सिखाने वाला नहीं हूँ. ठीक है, क्या मैं ले सकता हूँ. वैसे इसकी मुझे कोई ज़रूरत होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रख लेता हूँ इसको. हिटमैन के पास अगर साइलेंस पिस्टल ना हो तो फिर क्या ही कहने. फिर वो लगता है हिटमैन नहीं है, नकली हिटमैन है वो. Worldwide network of lawyers and financial contacts attempting to restore the lost power base of the Providence Partners. If Ingram and Stuyvesant were asked to a meeting thinking they'll be told of new developments,
I suspect they'd jump at the chance. There's a lounge area at the top of the building. It can be sealed off for private conversations. If we lure the targets there, they'll be trapped. ये कहाँ चढ़ा दिया मुझे इन्होंने? Hello. ओ भैया इधर मत देखना, इधर मत देखना, इधर कुछ कुछ नहीं है. पार्टी उधर चल रही, उधर देखो. मैं यहाँ पे बस सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पाइडरमैन बनने की, कि मैं बनता हूँ कि नहीं बनता. ओके यहाँ पे फिर आगे फिर मुझसे ये कहेगा ये कैमरा निकालो और फिर वो करो. अरे कैमरा निकालने के लिए कहा था, लटकने के लिए नहीं कहा था. फिर ये कहेगा कैमरा निकालो स्कैन करो. वो कुछ नहीं बोला उसने. और वो पहली बार उसने कुछ नहीं बोला, वरना पता नहीं क्या क्या बोल देता. ठीक है एक्स. मैं यहाँ पे ऊपर आ जाऊँ, मुझे बोलने दो ना. ओ मैं आगे जा सकता हूँ. देख रहे हो कितनी हवा चल रही है ऊपर. वाओ लॉक पिक कुछ भी नहीं है. वैसे है क्या ये? मैं यहाँ पे छुप जा. ओ पीछे भागो, पीछे पीछे पीछे. शायद उसको पता है कि मैं यहाँ पे. नहीं पता उसे, लेकिन मैं यहाँ पे. हाँ यहाँ पे आ गया मैं. वाओ ओ भाई मुझे डर लग रहा है यहाँ पे. नहीं क्या कर रहा हूँ मैं? चलो मुझे लगता है मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. अच्छा ये करके डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं क्या? कोई आएगा? मुझे नहीं लगता वो आने वाला है इधर. चलो अब तुम इसको बंद कर देते हैं हम. तो कहाँ चला गया वो? ओहो यहाँ पे. और भैया तुम हेलो कैसे हो? ठीक ठाक. ओ भैया ये तो कुछ गुनगुना रहे हैं. ओ सीटी भी बजा रहा है ये. इसकी सीटी निकालूँ क्या? क्या इसको पकड़ूँ इधर ही? यार इसको ठिकाने का ठिकाने लगाने के लिए कुछ होना चाहिए ना. चलो इससे मैं नहीं लगाता फिलहाल अभी. ओ भाई ये अंदर आएगा मुझे लगता है, अंदर आने वाला है. ओ आ भी गया. मैं छुप जाता हूँ यहाँ पे. यार मुझे इसको टपका देना चाहिए था. लेकिन ये क्या है लेफ्ट में? ओह हाँ ठीक है यहाँ पे कोई भी नहीं है जनाब. बंद कर दीजिए, आपको शायद गलत फहमी हो गई. लगता है आपने कोई हिटमैन का भूत वूत देख लिया है. A calendar function. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. All right, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. Fake meeting? क्या मैं इनको वो कर सकता हूँ हैक? अच्छा इसी हैक के लिए तभी बात हुई थी कि मुझे हैक करने हैं. अब समझ में आया. तो इसको हैक करने के लिए कुछ हैकर्स भी चाहिए ना. ओ ये भाई ये कौन सा सॉन्ग था सुनाना जरा एक बार. अरे फिर चालू हो गया. चलो ये अपनी धुन में है और हम अपनी धुन में हैं. ओ इस धुन वाले को ये अपनी धुन में था. ठीक है मुझे लगता है इसको इसके कपड़े चेंज करने चाहिए मुझे अभी. हाँ एक्चुअली मुझे यहाँ पे यही इन्हीं कपड़ों में रहना है, तभी शायद ये मिशन होगा कंप्लीट. हाँ आ जा भैया इधर आ जा. जगह है ठीक है. इसको ठिकाने लगाना है लेकिन वो मुझे देख ना ले. इससे पहले मैं इसको लेफ्ट वाले रूम में लेके चलता हूँ. आ जाओ भैया. अरे ये तो वही रूम आ गया, घूम फिर के वही रूम है ये तो. अब इसको कहाँ लगाऊँ मैं ठिकाने? यहाँ पर कोई वो कबर्ड भी नहीं है. यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए. वाओ क्या लग रहा है हिटमैन, सच में कसम से बस इन्हीं कपड़ों में रहना. ठीक है उतारना मत. मैम किससे बात कर रही हैं? बहुत ही सीरियस हैं. लगता है मुझे आगे जाऊँ क्या? मैं इसको पकड़ूँ? नहीं नहीं वो यहाँ पे आए. मैं इसको पकड़ सकता हूँ यहाँ पे? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है भाई? हेलो ओ मैं आपके क्लोज आ गया. मुझे नहीं पता था मैं आपके क्लोज हूँ, लेकिन मैं इतना भी क्लोज नहीं आना चाहता था. ओ भाई मैं इसको टपकाने वाला था इधर, लेकिन ये मैं मोहतरमा देख लेंगी मुझे. इसको जाने दो पहले. हाँ क्लोज बताऊँ किसे कहते हैं? देखो इसको क्लोज कहते हैं. उसे पता भी नहीं चला मैंने इसको टपका दिया.
हिटमैन जो काम करता है ना, बिल्कुल इतना साइलेंट काम करता है ना, जैसे मत पूछो कैसे। पिस्टल में जो सप्रेस होती है ना गन, वो वाला काम करता है। ओ यहाँ पे कपड़े चेंज करने जाए और यहाँ पे ठीक है। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, बताओ। वाह, मैं इन्हीं कपड़ों में दौड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे हैक करना है कैसे भी करके। अच्छा, नया ऑप्शन आ गया यहाँ पे, जी अनलॉक। नहीं, सिर्फ कपड़े चेंज हुए मेरे और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ है? ओ यो, ये चेंज हो गया था, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, all you need to do is access the terminal and use the calendar option to summon the Providence partners to a meeting. Okay, meeting. The meeting has been booked. The partners should be moving up here shortly. Elevator. Looks like the lounge can be sealed off for private conversations. बढ़िया. Elevator doors. Cameras disabled. Building cameras are now disabled. Oh, मैं कर रहा हूँ ना, तब हो रहे हैं, आपको पता नहीं है. You should join their meeting. Time to end this, 47. Cameras are showing all the guards up here. They wouldn't suspect one of their own, though. वैसे मेरे कपड़े काफी अच्छे हैं। ओहो, ये क्या है? अरे इसके कपड़े तो मुझे लगता है इसके कपड़े पहनने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन ये तो बिना कपड़ों की है, अब क्या पहनूं? अच्छा, इसके कपड़े कहाँ पे है? अच्छा, मैं उसको मार के आया था ना उधर, वहीं पर छोड़ आया। अरे बंद हो जाओ, एक कोई देख ना ले, गलती से अंदर चला गया ना, गड़बड़ हो जाएगी। ओ मैडम, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये पहचानने वाली? ओ ये मुझे लगता है पहचान लेती मुझे, कि यार मेरा पार्टनर थोड़ा अलग था, लेकिन ये क्या हुआ? ये तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम बंदा है। ओ यहाँ से शायद मैं पहन लूँ कपड़े, लेकिन ये तो अलग हैं, मैंने उधर छोड़े थे, शायद इससे काम ना बन पाए। चलो फिलहाल उसके सामने इन्हीं कपड़ों से जाते हैं, मे बी इस बार ना पहचान पाए। दरवाजे बंद करो पहले यहाँ पे। अब बात बन जाएगी शायद, मुझे लगता है अपने फ़ोन में बिजी है शायद, मुझे देख, ओ देख लिया इसने। कैसी है भैया, लोग अपने फ़ोन में बिजी हो रहे हैं और तुम मुझ में बिजी होने में चाहती हो? ठीक है, हम आगे चलते हैं, फिर भी काम बन सकता है, अब बन जाएगा। अरे गायब हो गई, अरे गायब नहीं हुई है, यहीं पे झाड़ू पोंछा कर रही है। क्या मैडम आपने इससे हैंडसम देखा है कोई? नहीं देखा। हाँ, आपका वो पार्टनर इसके अंदर था, मैंने छुपाया था उसे, हाइड एंड सीक खेल रहा था मेरे साथ वो। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे ऊपर जाना है, लेकिन यार इसमें साहब मोबाइल में क्यों बिजी होते हैं, क्या पता कुछ ज्यादा ही बिजी हैं ये तो। ये मुझे ऐसा थोड़ा मुझे बोलने दो ना यार, एक मिनट। यार ये मुझे बुला रहा है करके मैं बहुत ही मुझे गुस्सा आ गया, मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए था। ठीक है, वार्निंग तो मैं देता हूँ देख तुम्हें, और बिना वैसे ठीक है, इसको ठिकाने लगा लूँ पहले, लगा के चलते हैं यहाँ पे। पर लगाऊँ कहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। AZ-47 क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं, मतलब तो पटकते हैं, रखते क्या हैं, पटकते हैं इधर ही और चलते हैं अपने। मुझे राइट में चलना है, लेफ्ट में? ओके, लेफ्ट में चलना है, ऊपर जाना है मुझे। मुझे लगता है मुझे शायद कोई यहाँ पे पहचाने ना यार, इतना हैंडसम बंदा। अभी कुछ मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी तुमसे बात, क्योंकि तुम्हारा वही हाल होगा जो उसका हुआ था। बैकग्राउंड म्यूजिक देख रहे हो, वाओ क्या ही रिफ्लेक्शन है। हम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं, आई थिंक बिल्डिंग के इससे भी ऊपर होगा, लेकिन वो हमारे जाने के लिए होगा। हेलो, कैसे हो भाई साहब आप लोग? यहाँ पे कुछ होने वाला है अंदर, पता है तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक से ड्यूटी करना, मैं अंदर जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो समझ लेना मैं सब कुछ काम करके अपना आ गया वापस। ठीक है, यानी अपना मिशन कंप्लीट करके आ गया। हेलो, कुछ नहीं बोलोगे? ओह सच में,
ये तो कुछ बोलने वाला नहीं है, मुझे लगता है यहीं पे होंगे वो बंदे। एक तो दिख गया मुझे, दूसरा भी दिखा। क्या करना है मुझे इनको, ये मुझे दिख रहे हैं, मुझे इनको देखना नहीं चाहिए। ओके मैं यहाँ से सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया, देखो देखो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है गाइस सच में क्या हो रहा है यहाँ पे। सच में मैं बस टीवी देख रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये तीसरा कौन है एक्चुअली, मुझे इसका पता नहीं क्या कहानी चल रही है इसके बारे में, किसने किसकी बहस चुराई, किसने किसकी बीवी उठाई। ओके हमें इनको जल्दी से टपकाना चाहिए। अरे इसको मारना, मुझे उस टीवी वाले को नहीं मारना। मजाक कर रहा था ये। Is insignificant to the amount of damage you've caused us. You've caused the world. You're a murderer. ये तुम्हारी बातें कंप्लीट हो जाए तो बता देना कि मुझे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है? कि मुझे मारो या पहले इसको मारो, ठीक है? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा मतलब घूम लेता हूँ यहाँ पे। Providence made me, and at the flick of a pen, Providence broke. चलो भैया, बहुत बातें हो गई। हेलो अंकल, पहले उसको देख तो लेते कि कैसे मरा। Finally, Stivus. And then Ingram are gone. Exactly. Expecting Providence will soon be no more than a bad memory. यार इनका टीवी शो तो खत्म होने देता मैं। हाँ जी बोलो। थैंक यू किस लिए? ये तो मेरा काम है। एक्चुअली ये मेरा काम है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठिकाने विकाने लगाते रहता हूँ, बचपन से शौक है। देख रहे हो क्या ही म्यूजिक चल रहा है यार पीछे बैकग्राउंड में, एकदम प्रोफेशनल जो होते हैं ना, हिटमैन पे शूट करता है ये बिल्कुल। चलो इसको भी ठिकाने लगाते, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे दो बंदे थे, इनमें से एक भी नहीं रहा। सार ऊपर पहुँच गए, जितने भी ऊपर थे यहाँ पे इससे भी ऊपर पहुँच गए हैं। ओके हम यहाँ पिक, ये किस लिए पिकअप करूँ, कोई है ही नहीं किसी को ठोकने के लिए, पॉइजन के लिए भी कुछ भी नहीं है। ओके वो लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम करना है, इनको ऊपर उठाना है वरना मैं बाहर कैसे जाऊँगा। ओके अब चलते अपने अपने हिटमैन के मतलब के एटीट्यूड में चलते हैं सीधा। ओए सामने मत आना, दिल तो कर रहा था इसको मार दूं लेकिन मैं अपने जो वो होती है ना बाहर जाने की वो ख़त्म ख़राब नहीं करना चाहता था। ठीक है भैया हो गया हमारा काम, ठीक है तुमने ड्यूटी ठीक से नहीं दी, वैसे तुम्हारी पेंशन कट जाएगी। क्या ही बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है। देख रहे हो हिटमैन को, गजब का हिटमैन है। काम इतनी सफाई से करता है कि पता ही नहीं चलता कि सामने, मतलब कि राइट वाला हाथ जैसे काम करते हो लेफ्ट वाले हाथ को पता नहीं चलता, वही सीन हिटमैन का होता है। काफी मजा आया, अगर आपको भी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है चैनल पे, और इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे इसको जल्दी से जल्दी बाहर, मतलब कि बाहर जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मिशन कंप्लीट हो चुका है। ओ यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी ड्रेस चेंज हो गई, पता तुम्हारी ड्रेस भी गायब हो गई, एक बंदे की बंदा भी गायब हो गया और जिसके लिए तुम काम कर रहे थे वो भी गायब हो गए। हाँ यहाँ पर मैंने रखा था ना शायद बंदे को, ठीक है यहाँ पर चलते हैं अब। ओ बिना लिफ्ट के, चलो अच्छी बात है, ठीक है स्पेस स्लाइड ये वाओ। ओ एक सेकंड ये कौन देखे, ओ मैडम मैडम अगर आप ऐसे यहाँ पे खड़ी रहेंगे तो मैं कैसे ऊपर आ पाऊँगा बताओ ना, थोड़ा सा लेफ्ट में जाइएगा, नहीं जाओगे बताओ। देखो मैं हिटमैन हूँ, देखो मैं तुम्हें टपका भी सकता हूँ लेकिन मैं मारने वाला नहीं हूँ, ठीक है क्योंकि मेरा मारने का काम था। ओह ऐसा क्या, मुझे मेरा काम फिनिश कर लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से अलविदा चाहिए अब, गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।